भाई यूपीआर बिनल लगातार रिजल्ट डिक्लेयर करते जा रहा है। अभी जैसे कि आपने देखा कि असिस्टेंट अकाउंटेंट लैब असिस्टेंट का आया रिजल्ट, और उसके बाद आपका एई का भी रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एई के लिए एलिजिबल थे, जिनका डीबी हुआ था, वो फटाफट से जाके ऑफिशियल साइट पर चेक कर सकते हैं। ये 4 बजे रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है एई का, मतलब कि इलेक्ट्रिकल और आपका क्या बोलते हैं सिविल का। तो ये आपके जो इलेक्ट्रिकल सिविल और मैकेनिकल भी उसमें ब्रांच हैं, इनका जिनका भी रिजल्ट अगर आया होगा शॉर्टलिस्टेड होंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ऑल द वेरी बेस्ट है, ऑल द बेस्ट है आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिन स्टूडेंट्स का। और जो स्टूडेंट रह गए हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई दिस इज नॉट द लास्ट, है ना, दिस इज नॉट द लास्ट, ये लास्ट नहीं है, अभी जिंदगी और भी है, आगे भी लड़ना है, लड़ाई जारी है, और हमेशा जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तो है नहीं। और इस बार प्लानिंग बना करके एक बार थोड़ा सा रिवर्स गियर लेकर के आगे गियर लगाना है, ताकि इस बार एकदम मतलब फोड़ के रख देना है। बाकी ऑल द बेस्ट जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, कंग्रेचुलेशन हमारे तरफ से उन सभी को, एई एस्पिरेंट्स को जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, फाइनल शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन यूपी आरबीएनएल एई के लिए हो गया है, सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।